नमस्कार प्रणाम, हम मितेश कुमार सिंह रहुआ सब देखा तानी बिहारी बॉस न्यूज़। तो आज हम पहुंचल बानी बाबा महेंद्र नाथ के दरबार में और सब लोग बाबा महेंद्र नाथ से परिचित बा कि सारण के सबसे बड़ा धर्मस्थली और जौना के हालत देख के रहुआ दिल में इतना गाली देवे के मन करी कि नेता लोग के भी देख के रहुआ लोग के इच्छा ना करी। बाकी हम मौजूद बानी बाबा महेंद्र नाथ के प्रांगण और जाए वाला मुख्य सड़क हटे देखल जाओ तो बाबा महेंद्र नाथ के जौन मेन गेट बा ओइजा से लेके बाबा महेंद्र नाथ स्थल तक ले पूरा रास्ता टूटल बा। और देखल जाओ तो जिला के ऐसा कोनो भी अधिकारी और कोनो भी नेता ना होकस जौन ऐजा ना हो तो कस महीना में, लेकिन ये रास्ता उनके दिखाई ना देवेला काहे से वो लोग अंधा हो गई बाटे लो और साथे साथे काम तो उनका लोग इतना करावत लो। बाकी सब लोग जानते ही बाटे ऐजा देखल जाओ तो तमाम दुकानदार और तमाम श्रद्धालु लोग जो जाटे उ लोग ऐजा देख सकता वीडियो के भी माध्यम से कि कौना प्रकार से दिक्कत हो टाटे। लेकिन ए पर आवाज़ उठावे खातिर ना कोनो मीडिया आ रहा बड़न, ना ही कोनो नेता आ रहा बड़न, ना ही कोनो स्थानीय कोनो भी प्रकार के नेता लोग के आवाज़ तक उठा टाटे। कारण ये बटे कि बाबा महेंद्र नाथ के दरबार बटे कोनो निजी नहीं के, एक वजह से केहू के दिखाई भी नहीं के देत। अभी सावन आ रहा बटे और सावन में देखल जाओ तो बिहार के जितना भी महादेव के चाहे वाला भक्त बढ़ल उ सब लोग पहुँची और बाबा के जब दरबार में जब ज़्यादा के संख्या में लोग आई तो भीड़ के कंट्रोल कर और भी मुश्किल हो जाए, कैसे हालत ख़राब हो जाए। अभी देखल जाओ तो मानसून आ गया, बारिश अभी तो कमी भइल बा, जब बारिश तेज हो जाए और तेज भइला के बाद से जाना प्रकार के जाके व्यवस्था खराब होगी ओकरा वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होके जा रहा बाटे। लेकिन ए पर अभी तक केहू के ध्यान नहीं खेजा। देख ली फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से ऐसा तमाम लोग बाटे और सब लोग से हम कुछ जाने के भी चाहें कि का कुछ ऐसा दिक्कत होकेला, का कुछ परेशानी के सामना करे के पड़ेला। या सबसे पहले एगो भैया बानी, देखल जाओ तो रास्ता पूरा तरह से खराब बटे, का लगा तक कबो बनी कि ना बनी? ये तो हम यही अथी से जिला प्रशासन से लेके एमपी से लेके विधायक से लेके सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए बाबा महेंद्र नाथ के पश्चिम द्वार से आते हैं और जर्जर ये खड्डा हुआ है जगह 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 जब भी, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है कोई भी एमपी विधायक। कहाँ से दिलो, जब चुनाव खत्म हो गई बा तो अब नेता लोग के लगे का कुछ मुद्दा बा? नहीं, मुद्दा है जो इसको बनवाना चाहिए, सावन से पहले इसको सब अथी करा देना चाहिए, जो जो भी आएगा दर्शन करने के लिए पूजा पाठ करने के लिए जो भी जिला पदाधिकारी से लेकर एमपी विधायक भी जो भी आते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा देखल जाओ तो मात्र अब 10 से 15 दिन बाचल बा, नेता लोग के अगर कामो करावे के रही तो पहले ही आके कामो ना करा दिले रही लो। हम यही चाहते हैं कि जो एमपी विधायक है जिला प्रशासन है कि सावन से पहले इसको ठीक किया जाए, बाबा महेंद्र नाथ के पश्चिम द्वार से खड्डा उड़ा है जिसको इसको मरम्मत किया जाए जितना हो सके जल्द। नाम का पड़ी रहो? हमारा छट्टू कुमार मांझी। छट्टू कुमार मांझी, और भी लोग बैठे का जी भैया, का कुछ दिक्कत के सामना करे के पड़ेगा काम में पानी सर? ब्याह शादी में सब लोग बैठे, सब लोग बाबा महेंद्र नाथ के दरबार में आवला, लेकिन कुछ बोली ना, केहू कुछ बोले के ना चाहिए, का ऐसे कि बोली तो कितना लोग के नेताजी लोग के दुख लग जाए तो कितना लोग के मन ना करे इच्छा बोले के। बाकी कोनो दिक्कत नहीं के हमने के दिखावा तानी सन फिर से एक बार, नेताजी लोग के ध्यान आकर्षित करे के चाहतानी सन कि सारण के जन सबसे बड़का धर्मस्थली बा ओकर कम से कम विकास कर जाओ और विकास के साथे साथे जौन ऐजा के अर्थव्यवस्था बा ओके भी मजबूत कर जाओ। का ऐसे देखल जाओ तो सिवान में उतना तो बड़ कि नोजन नेता काम कराओ ना सांसद होकर चाहे विधायक होकर केहू काम को कुछ करावत नहीं के, तो कम से कम ऐसा जगह पर तो काम कराओ सो कि कम से कम भगवान के भी नजर से ना गिरत, लोग के तो नजर से लोग गिरिए गई बा, तो कम से कम ये सब काम होके के चाहिए। और खासकर जिला प्रशासन से भी आग्रह बा कि जौन अगला साल जौन घटना घटल रहे फिर से वो दोहरावे के कोशिश ना कर जाओ, कैसे जब रास्ता खराब बा तो जाहिर सी बात बा एगो दूगो घटना तो घटबे करी, तो कम से कम उससे पहले ही अगर हमनी के सचेत हो जाए सन तो घटना पर लगाम लगावल जा सकेला। लेकिन अभी तक कोनो भी प्रकार के ऐसा व्यवस्था नहीं कल जात कि जौना के लेके जौन सावन आ रहा बा ओकरा से निपटल जाओ। देख सकता नहीं हालत तो पूरा रास्ता के खराब बा, काहे ना को पूर्वी द्वारों को या पश्चिमी द्वारों को सबका हालत खराब बा। और हालत खराब होके के कारण ये बटे कि कोनो भी स्थानीय नेता विधायक सांसद हो कसलो कोनो भी प्रकार के आवाज़ नहीं कर उठाओ ना काम करा होता लो, दिक्कत ही बटे। बाकी हम हमेशा बोलत रहे नहीं लोग का सोचा था का आप कुछ प्रतिक्रिया देता बाबा महेंद्र नाथ के जन रास्ता बटे कमेंट करके जरूर बताओ। और बाकी जो नेताजी लोग का ध्यान रही फिर से एक बार कह दें कि कम से कम ये रास्ता बन जाएगा चाहिए। जय हिंद जय भारत।